भाई दिक्कत कहाँ से पैदा हो रही है डायरेक्टर? सर नहीं सर, सर बहुत अच्छा देखिए सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा देख सर, वेरी गुड एक्सीलेंट, बहुत अच्छा किया सर आपने। जब अच्छा हो रहा था तो आपने कट क्यों बोला? सर सारी फिल्म 2 मिनट में थोड़ा खत्म कर देनी है। ये बाद में आएगा, मतलब अभी लोगों को लगेगा कि हीरो ने खुद बोल दिया जाओ, मैं किस करता ही नहीं। नहीं नहीं मैं गरीब वाला हीरो हूँ, मैं किस करता हूँ। नहीं सर महान बनना, महान बनना है, महान बनना है सर, महान 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 बनना। आगे बताइए हमको करना क्या है। आप बस रेस्ट कीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं अगला सीन तैयार करके आपको अभी बताता हूँ, ठीक है सर? आपको भैया भैया मैम आप चले जाइए, हीरो थोड़ा ज्यादा ही गर्म है, निकल जाइए मैं कहता हूँ। अभी अगला सीन क्या है? अगला सीन फाइटिंग का है। अगर सर सर अगला सीन समझा दे आपको। सुनो हाँ सर, ढंग का सीन बताने भैया, प्रोड्यूसर बहुत अच्छा सीन है सर, बहुत ज्यादा अच्छा सीन है। ठीक है, ये है कि आप यहाँ पे बैठी हो, ठीक है, उधर से हिरन का पुराना आशिक आपसे लड़ने के लिए आता है। पुराना आशिक आता है? हाँ जी हाँ जी। उसने पहले कुछ गड़बड़ तो नहीं की है उसके साथ? ट्रैक्टर के होते हुए कोई कर सकता है गड़बड़? मतलब मेरा मतलब मैंने सीन ही नहीं ऐसा होने दिया कोई सर। बहुत अच्छे बाबू, बाबू बाबू दिखायल बा भोजपुरिया टसन, आयल बा राम किशन बाबू। ए सुनील महाराज, ए भैया होल्ड करी भैया, ए बाबू बाबू होल्ड करी, प्रोड्यूसर भी हम ही हैं, औकात में रही बाबू। सबको समझाइए बाबू 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 बाबू। सर सीन 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 करें सर, सीन करें, बताइए। ये देखिए सीन ये है, ये है जो हिरन का पुराना आशिक जो आपको बताया मैंने, ये आएगा आपसे अगर लड़ाई करेगा आपको मारेगा। दिमाग खराब है आपका, इसकी औकात है हमको मारे, हम प्रोड्यूसर हैं, हम मारेंगे पहले। सर मेरी बात सुनिए, आप सीन समझिए, पहले सीन में ये आपको मारेगा, अगले सीन में आप इसको मारोगे। रेडी रेडी लेते हैं हैं पप्पू, हैं भैया हम, हाँ कॉन्फिडेंस बढ़ाई, ताली बजा एक बार लेते हैं। डायरेक्टर साहब फुलो फुलो में निकल गया। छाता डाल के ना खोल देंगे मुंह में। बटली तेरी औकात कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? वो मटर, तुमको सिर्फ एक्शन बोलने के लिए रखे हैं हम, 3 के हम 4 थप्पड़ भी मार सकते हैं और 2 तुमको भी दे सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? औकात में रहिए आप, प्रोड्यूसर भी हैं हीरो भी हैं, 2 in 1 बकलोली करता है। भाई दबे बेटा, माने कि 3रे कमरे में मेरी बेटी सो जाएगी। ना ना 3रे कमरे में तो जगह ही नहीं है, 3रा कमरा जो है ना, 3रा कमरा एकदम किताबों से ठस ठस भरा है, दरवाजा भी इतना खुलता है, ज्यादा खोल रहे ग्रामर अटक जाएगा। माने कि फिर मैं चलता हूँ। हाँ, चलिए आप चाचा जी। पापा हो गया क्या रहने का? बेटा नहीं हो पाया। ये कल्लो ट्रैक्टर अचानक टूटा कैसे हो गई? पीजी में ही रहना पड़ेगा रितु। ना 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 रितु। अच्छा चाचा। हाँ चाचा। हाँ चाचा जान। हाँ चाचा। हाँ आपके भतीजा के जीते जी ये हॉस्टल में क्यों रहेगी? ये यही रहेगी। माने कि बेटा लेकिन तुम तो कह रहे थे तुम्हारे घर में जगह नहीं है। चाचा। हाँ जगह दिल में होनी चाहिए। हाँ? घर में अपने आप हो जाती है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? माने कि बेटा लेकिन तुम तो कह रहे थे तुम्हारे घर में 3 ही कमरा है, 3रा जो कमरा है बेटा उसमें किताब। आग लगा दूंगा किताबों में, आग लगा दूंगा। उसके बाद हम और रितु एक साथ रह लेंगे। कर रहे हैं आप? नहीं मतलब रितु को दिक्कत ना हो, बेचारी अनजान शहर में कहाँ रहेगी, हम लोग साथ रहेगी तो अपनापन रहेगा, थोड़ा ध्यान रहेगा। देखिए अब आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। हेलो या हॉस्टल में रूम मिल गया? ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
पापा हमें रूम मिल गया, हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। हम चलते हैं बेटा। ना ना चाचा चाचा मत जाइए, प्लीज मत जाइए। रितु तुम यहीं रहो, यहाँ जो प्यार मिलेगा वो हॉस्टल में नहीं मिलेगा, यहाँ तुम कभी भी आओ कभी भी जाओ। बेटा तुमने इतना कह दिया हमको, बहुत अच्छा लगा बेटा। सुनो एक बात कहें। बोलो। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, अपनी बीवी का बढ़िया से ख्याल रखना, मानने की रखूंगा। अच्छा रितु अब घर तुमने देख लिया है, कभी भी आधी रात को आ सकती हो, है ना, जब तुम्हारा दिल करे। अच्छा हुआ फोन आ गया मानने की। तो कैसे हो हमारे फॉलोअर्स? नेटवर्क कैसा है? धोखा मिला जब प्यार में, जिंदगी में उदासी छा गई, सोचा छोड़ देंगे ये राह, कमबख्त मोहल्ले में दूसरी आ गई। बोलो सोशल बाबा की। बाबा जी ये आज भक्तों को क्या हो गया, बहुत लोलो साउंड कर रहे हैं। अरे पैसे तो पहुंचा दिए थे सबको। हाँ बाबा जी। तो फिर वाईफाई का नेटवर्क क्यों नहीं पकड़ रहे भाई, क्या हो गया, सांप सूंघ गया? दोबारा बुलवाओ। एक सेकंड जैसे मुंह वाले, एक मिनट क्यों चाहिए? बाबा जी मेरी बेइज्जती बाद में करना, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ, पहले अपनी इज्जत और फैन फॉलोइंग के बारे में सोचो। इज्जत का तो हमने बचपन से ही नहीं सोचा कभी भाई। फैन फॉलोइंग की टेंशन है, उसको क्या हुआ, क्या खतरा है? बाबा जी आपकी फैन फॉलोइंग को बहुत ज्यादा खतरा है, ये देखो रिपोर्ट आई है, आपकी फैन फॉलोइंग का ग्राफ गिर रहा है। गिर रहा तो उठाया क्यों नहीं, तुझे कौन सा झुकना पड़ना था? बाबा जी उठा, मैं थोड़ा उठाऊंगा बाबा जी, आपको उठाना पड़ेगा। आपकी फैन फॉलोइंग कम हो रही है, इंटरनेट पे जो आती है ना वो रिपोर्ट आई है, और जो ट्रेंडी की है उसका ट्रेंड बढ़ रहा है। वैसे मतलब क्या है इसका? मतलब इसका ये है कि ट्रेंडी की फैन फॉलोइंग ज्यादा है। फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अब ये करना पड़ेगा कि अपनी कुर्सी ट्रेंडी के हवाले कर दो। देख लो भाभी अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो फिर गए आप काम से, इसको तो कम सिखाना पड़ेगा। अच्छा चलो फिर आज एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, आज समस्या ये सुलझा देगी, बाबा बना देते हैं एक दिन, आ जाओ बे ट्रेंडी संभाल के रखना। आज ना मेरा बाहर जाने का मन कर रहा है, तो क्यों ना हम बाहर ही डिनर कर ले। अच्छा बाहर चलना है, एक सेकंड रुको, देखे कौन बचा है। यादव क्या हो गया है, दुबे क्या हो गया है, पांडे क्या हो गया है, बच्चा कौन, बच्चा कौन? अरे थोड़ा और ऊपर करिए, ये भल्ला 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 कौन? अरे याद आ गया भल्ला। अरे पगली याद नहीं है, पेट्रोल पंप पे जब हम पेट्रोल भरवाने के लिए गए थे तो एक बंदा छोटा सा खड़ा नहीं था, बोला 300 रुपए रख लो भाई दे दो, अपने पास पैसा नहीं था। याद आ गया वो छोटू गमला साइज भल्ला। अरे गमला साइज भल्ला। चलिए उनके यहां चलते हैं। एक सेकंड फोन मिला, नंबर मिला ले भल्ला जी का। हाँ। एक सेकंड। हेलो भल्ला जी, अरे बिट्टू बोल रहे हैं, बिट्टू पेट्रोल पंप पे 300 रुपए आप दिए थे। हाँ वही बिट्टू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिट्टू जी। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, आपका अपना घर है, जब मर्जी आइए जब मर्जी जाइए, कमाल की बात। नहीं 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 अगली बार फोन नहीं करना, मैं बता दूं, आ जाओ बराबर घर आ जाओ। ओके ओके। अरे सुनती हो, अरे बेटा जल्दी आओ, अरे हमारे घर में मेहमान। ओ मेहमान मेरे साथ प्रैंक नहीं होता ज्यादा, तेरे को कितनी बार बोला प्रैंक नहीं होना, बात करता है। डार्लिंग हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं। ओए हट जी, ओए क्या बात कर रहे हो, मैं बड़ी खुश हो रही हूँ माता रानी। आपको पता है महीने के राशन का मुझे कितना टेंशन होता है, और ऊपर से ये आपका पुत्र सुबह से मेरे पीछे पीछे पड़ रहा है, मम्मा पिज्जा खाना है, मम्मा पिज्जा खाना है। जा खुश होकर अभी पिज्जा ऑर्डर करते। अरे सुन सबसे बड़ा वाला पिज्जा ऑर्डर करना, ताकि अगर 2 दिन तक मेहमान ना आए ना तो हम भूखे तो ना मरे। जा जा। भगवान ने मेहमान भेज दिए। अरे अरे बेल बजी बेटा, मेरी बात सुन, तू बड़ा बड़ा होमवर्क करने की अक्नी कर। ठीक है ठीक है।